दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी शाहीन बाग के मुद्दे को लेकर आक्रामक हो चुकी है। बीजेपी नेताओं का पूरा फोकस अब शाहीन बाग पर ही है और इसे लेकर वो केजरीवाल सरकार पर हमलावर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने नजफगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 8 फरवरी को आपका एक वोट तय करेगा कि आप शाहीन बाग वालों के साथ हैं या भारत माता के। दिल्ली के नजफगढ़ में अमित शाह ने कहा कि अजीत खड़खड़ी को जिताने के लिए यहां आया हूं। ये पूरा क्षेत्र वीर माताओं और वीर जवानों का इलाका है। 8 तारीख को जब आप मतदान करें तो ऐसे मत सोचना कि आपका एक वोट अजीत भाई को विधायक बनाएगा। आपका एक वोट पूरे देश में संदेश देने वाला है कि नजफगढ़ वाले शाहीन बाग के साथ हैं या भारत माँ के बेटों के साथ हैं। आपका एक वोट ये संदेश देने वाला है कि इस देश को किस रास्ते पर चलना है। ये जेएनयू में नारे लगे, जेएनयू में नारे लगे थे कि भारत तेरे टुकड़े हो 1000, हमने जेल में डाला कन्हैया कुमार को और उसका साथी का क्या नाम था उसका, वो खालिद को, आपको सब मालूम है भाई, ये दोनों को जेल में डाल दिया। अब जेल में डालने के बाद केस चला, दिल्ली सरकार की परमिशन चाहिए केस चलाने के लिए। 1.25 साल हो गया केजरीवाल सरकार खाली पर केस चलाने की परमिशन नहीं देती है क्योंकि वो उनके वोट बैंक से डरते। मित्रों मुझे बताओ, ये आप पार्टी वालों यहाँ के विधायक अगर वोट मांगने आए तो खालिद को क्यों परमिशन नहीं दिया, पूछोगे क्या आप? मुझे बताओ, पूछोगे? उस पर केस चलाने की परमिशन आज भी नहीं दी है। और मैं फिर से एक बार केजरीवाल जी को पूछना चाहता हूँ कि आप खालिद पर केस चलाने की परमिशन देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, ये दिल्ली की जनता को जरा बता दो। मित्रों, ये जो सरकार है वो वोट बैंक की राजनीति करने वाली सरकार है, झूठे वादे करने वाली सरकार है। मोदी जी ने 5 साल के अंदर 60 करोड़ गरीबों के घर में गैस का चूल्हा, शौचालय, घर, बिजली, बैंक अकाउंट और 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा देने वाला आयुष्मान भारत का कार्ड पहुंचा है। ये जेएनयू में नारे लगे, जेएनयू में नारे लगे थे कि भारत तेरे टुकड़े हो 1000, हमने जेल में डाला कन्हैया कुमार को और उसका साथी का क्या नाम था उसका, वो